दोस्तों, क्या आज आप भी घर पर बैठकर ये सोच रहे हैं कि मुझे क्या नया सीखना चाहिए क्या, या फिर अगर मैं बात करूं, क्या आप भी घर पर बैठे बोर हो रहे हैं? आप सोच रहे हैं कि यार मुझे क्या करना चाहिए? इन्हीं सब को नजर रखते हुए मैं आज आपको देने वाला हूं 5 ऐसे स्किल्स, 5 ऐसी टॉप एक्टिविटीज जिनको आप घर पर बैठकर सीख सकते हैं अपने बच्चों के साथ। तो दोस्तों शुरू करते हैं। पहला अपना जो एक्टिविटी है, पहली अपनी जो स्किल रहेगी वो स्किल है आर्ट एंड क्राफ्ट। दोस्तों हम सभी के घर में यूजलेस चीजें होती हैं, जैसे बोतल हो गई है ना, टूटा फूटा कोई भी, और जैसे हमारे पास प्लास्टिक हो गया, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमारे पास यूजलेस घर पर पड़ी होती हैं। आप भी उन सभी का यूज़ करके नई नई चीज़ें डिज़ाइन कर सकते हैं, नई नई चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं। इसी को हम आर्ट एंड क्राफ्ट बोलते हैं दोस्तों। तो आप भी यूट्यूब का सहारा ले सकते हैं, गूगल पर जाकर वहाँ पे देख सकते हैं, इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं। तो दोस्तों आप भी आर्ट एंड क्राफ्ट सीख सकते हैं और अपने बच्चों को इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। आप इस एक्टिविटी को करते टाइम मज़ा भी आपको आएगा, आपको एक नया स्किल भी सीखने को मिल रहा है और आप अपने घर को भी डेकोरेट कर पा रहे हैं। नेक्स्ट स्किल की तरफ चलते हैं दोस्तों। तो हमारा नेक्स्ट स्किल जो रहेगा वो है लैंग्वेज एंड स्किल्स। दोस्तों आप किसी भी फील्ड में, चाहे आप बिजनेस कर रहे हैं, वेदर यू आर टीचर, और चाहे आप कोई अलग प्रोफेशन में हैं, दोस्तों लैंग्वेज सभी को, अगर मैं बात, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि भाई इंग्लिश ही आपको आनी चाहिए, कोई भी अदर लैंग्वेज हो सकती है जिसमें आप अपना फ्यूचर क्रिएट करना चाहते हैं, वेदर इट्स फ्रेंच, जैपनीज, कोई भी लैंग्वेज हो सकती है जो आपकी कॉन्फिडेंस को भी अप करेगी, आपके पर्सनैलिटी को भी अप करेगी। तो दोस्तों आप भी लैंग्वेज सीख सकते हैं और वो भी घर पर बैठकर। दोस्तों अगर मैं बात करूँ स्किल्स की, बहुत सारी स्किल्स होती हैं और ओल्ड स्किल्स आर लर्नेबल, जैसे थिंकिंग स्किल्स है, सेल्फ हेल्प स्किल्स है, टाइम मैनेजमेंट स्किल्स है, बहुत सारे स्किल्स आप घर पर बैठकर सीख सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ टाइम मैनेजमेंट स्किल्स की, दोस्तों आज हम टाइम मैनेजमेंट स्किल्स की लैकनेस के कारण ही हम ये पता नहीं लगा पा रहे हैं कि मेरे को मेरा टाइम कहाँ पे देना चाहिए। तो आप भी लैंग्वेज एंड स्किल्स सीख सकते हैं जो आपको बहुत ही बेनिफिट देंगे। दोस्तों अपना जो थर्ड स्किल है वो है डांसिंग। दोस्तों डांसिंग एक ऐसी एक्टिविटी है जो आपको एंजॉयमेंट के साथ साथ आपकी एक्सरसाइज भी करवाती है। अगर आप हर रोज़ 1 घंटा आप डांसिंग करते हैं तो आप एक नई स्किल भी सीख रहे हैं, एक नई एक्टिविटी भी कर रहे हैं, आप एंजॉयमेंट भी कर रहे हैं और आप उन नेगेटिव चीज़ों से भी दूर जा रहे हैं। तो दोस्तों डांस एक ऐसी एक्टिविटी है जो आप कर सकते हैं, अपने बच्चों को भी ईयरफोन लगाइए और 1 घंटा नाचिए। नेक्स्ट स्टेप अगर हम बात करें तो नेक्स्ट स्टेप है रीडिंग, बिकॉज यू नो लीडर्स आर रीडर्स। दोस्तों लीडर्स जो होते हैं वो रीडर्स होते हैं। आपकी फील्ड में भी बहुत सारे ऐसे यूनिक लोग होंगे, ऐसी पर्सनैलिटीज़ होंगी जिनके जैसा आप बनना चाहते हैं, चाहे आप बिजनेस में हैं, चाहे आप किसी अदर प्रोफेशन में हैं, आपका खुद का कोई बिजनेस है, तो आप भी किसी ना किसी के जैसा बिजनेस खड़ा करना चाहते होंगे, किसी के जैसा बनना चाहते होंगे, तो आप भी उनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं, कर सकते हैं। तो दोस्तों उनके साथ टाइम स्पेंड करने का एक बहुत ही अच्छा रास्ता है कि आप उनके द्वारा लिखी हुई किताबें पढ़िए। दोस्तों जो भी 10, 20, 30, 40, 50 अपनी पूरी ज़िंदगी में जो भी एक्सपीरियंस करते हैं वो आपको सिर्फ एक किताब में देकर चले जाते हैं दोस्तों। तो आप भी उनकी किताबें पढ़ सकते हैं और अपनी ज़िंदगी में अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूम कर सकते हैं, नया सीख दे सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप की अगर मैं बात करूँ दोस्तों वो है योगा, बिकॉज हेल्थ इज वेल्थ। ये तो आप सभी को पता होगा दोस्तों, इस लॉकडाउन के चलते हम घर पर बैठे क्या कर रहे हैं, सिर्फ खा रहे हैं, वी आर नॉट डूइंग योगा एक्सरसाइज एंड एनी अदर एक्टिविटी। तो हमारा क्या हो रहा है, हमारे अंदर फैट क्रिएट होगी, हमारा हम मोटापे के शिकार हो जाएंगे, नई नई डिजीज हमारे अंदर जो है क्लियर करेंगे। तो दोस्तों आप भी योगा करिएगा, अपने बच्चों को साथ लीजिएगा, यूट्यूब पर देखिएगा, आप किसी भी योगा ग्रुप को देख सकते हैं और अपने अंदर एक नया स्किल मैं कहूँगा दोस्तों, ये सारे स्किल्स ऐसे स्किल्स हैं जो हम कहेंगे एक्टिविटीज़ हैं, आपको ये हर रोज़ ही वैसे भी हमें ज़िंदगी में करनी चाहिए, और अभी तो लॉकडाउन है इसमें तो हमें यू एंड वी ऑल मस्ट डूज दीज ऑल 5 स्किल्स। तो दोस्तों आपको कैसे लगे 5 स्किल्स मुझे कमेंट कर बताइएगा। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग एंड